आप देख रहे हैं कैमरामैन प्रवीण पांडे के साथ सखौलिया टीवी आज तक और सबको लेकर क्या कहना है आपका ये बरसात को लेके फसलों का नुकसान क्या नुकसान क्या फायदा है? फसलों का तो बहुत नुकसान हुआ है जी बाबा जी। आना जाना आने जीवन व्यस्त हो गया है, भोजन पानी की समस्या लोगों को आ रही है, घर सबके गिर रहे हैं। कौन सा गाँव है? सखौलिया है। हर प्रकार की ही दिक्कत है, सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक नहर है कट करके वो पूरे गांव को जलमग्न इसने कर दिया है, फसलें सब नष्ट हो गई। नहर दो दो तीन तीन जगह कटी हुई है। मतलब बारिश के पानी से कम नुकसान हुआ? बारिश पानी से कम लेकिन नहर के पानी से ज्यादा नुकसान हुआ। भरी पड़ी है जल से। अरे वर्तमान बीजेपी नेता जी से आपका क्या कहना है? किस विषय? यही सब जल भराव जो हो चुका है। राजेश सिंह को टिकट मिल गया? राजेश सिंह को टिकट टिकट तो ठीक है, लेकिन ये बताइए पहले इधर तो कम हो रहा है पानी। बाढ़ और बरसात के विषय में बताइए। धीरे-धीरे कम हो जाएगा। धीरे-धीरे कम हो जाएगा। कोई सरकारी सुविधा अभी तक नहीं मिल रही है गाँव वासियों को। अरे यार घटनाएं क्यों नहीं घटी है? सबका घर गिर रहा है एकदम। पट्टू बाबू का पिंटू बाबू का वह उधर पंचवटी एकदम खतरे से खतरे पे आ गई है। आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं? आवागमन तो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, चलिए ठीक है। क्या किया जाए? ये प्रभु की कृपा है। नहर कटी हुई थी एकदम, आने जाने में बड़ी समस्या होती होगी। हो रही है। और कुछ बताना चाहेंगे? कुछ फायदा नुकसान क्या क्या हुआ सब? यहाँ पे सड़क नीची करवानी है थोड़ी सी। क्या आप सब कुछ लेके अपना यहाँ से जा रहे हैं गांव से दूर? नहीं नहीं, जाना पड़ रहा है गांव से दूर। वैसा कमाने और जो है इस बाढ़ से बचने के लिए आपको खुद? बाढ़ से नहीं डर है, घर तो ऊंचाई पे है, कोई दिक्कत? घर तो ऊंचाई। एकदम म्यूजिक। और बताइए क्या होगा आपका, मतलब कुछ हुआ आज बिक्री बट्टा कुछ हुआ? नहीं। ये बारिश का कहर सब और है, सारे सारी तरफ हो रही है, कुछ नहीं।